नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रिंगिंग बेल्स ने ग्राहकों के पैसे वापस करने शुरू किए। महज 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का वादा करने वाली नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स ने अपने दावों के नकारात्मक आकलनों को देखते हुए ग्राहकों के पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं। गोयल ने कहा कि 251 रुपए कीमत वाला फ्रीडम 251 स्मार्टफोन अप्रैल में आने की संभावना है और उसके बाद हम फिर बुकिंग शुरू करेंगे। रिंगिंग बेल्स के निदेशक मोहित गोयल ने बताया कि हमें लेकर आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता थी, इसलिए हमने फोन देने के बाद ही अपने ग्राहकों से पैसे लेने का फैसला किया है। जिन्होंने फोन बुक करने के लिए पैसे दिए हैं, हम उन्हें वापस लौटा रहे हैं और हम कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प दे रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 30,000 लोगों ने फोन बुकिंग के पैसे दिए थे और 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। इसके धन का भुगतान सीसी एवेन्यू और पेयू बिज के माध्यम से हुआ है। जेएनयू छात्र ने स्मृति से कहा, बच्चा नहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हूँ। जेएनयू के राजद्रोह के आरोपी 6 छात्रों में से एक अनंत प्रकाश ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे एक खुले पत्र में कहा कि वह एक बच्चा नहीं है बल्कि उनका राजनीतिक विरोधी है। संसद में स्मृति ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला के लिए बच्चा शब्द का उपयोग किया था। रोहित ने संस्थान के छात्रावास में अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अनंत प्रकाश ने खुले पत्र में कहा कि मैंने संसद में दिया गया आपका भाषण सुना। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पत्र एक बच्चे की ओर से मां स्वरूप मंत्री को नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति की ओर से दूसरे राजनीतिक व्यक्ति को है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को उसकी शैक्षणिक योग्यता से नहीं आंकता बल्कि मैं तो गुणवत्ता की अवधारणा को खारिज करता हूं। प्रकाश ने कहा कि मंत्री अपनी पहचान एक महिला के तौर पर बताती है लेकिन वह वेमुला की मां के साथ खड़ी होने में नाकाम रही। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की दवाई केवल हमारे पास। पंजाब सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बटाला में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसे पूरी तरह खत्म करने की दवाई केवल हमारे पास है और इसे हम ही समाप्त कर सकते हैं। केजरीवाल ने संकल्प जताया कि अगर उनकी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो कुछ महीने के भीतर ही वह ड्रग की तरह समस्या को समाप्त कर देंगे। पंजाब में खनन माफिया पर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 24 घंटे के भीतर समस्या का अंत हो जाएगा। इस पर सत्तारूढ़ शिया और विपक्षी कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल झूठे वादों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।